हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम ऑप्शन चेन की मदद लेते हैं और साथ में हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसे दूसरे दिन यानी जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें कौन से लेवल्स पॉसिबल है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने बेसिकली अगर बात करें निफ्टी 50 ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया और 159.70 मतलब ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स का आपने जंप दिखाया है। मार्केट ने ओपन हुआ 11,643 के पास में और क्लोजिंग हुई है 11,786। हाई बनाया है 11,809 और लो बना है 11,627 का। सो अगर इसे सही ढंग से देखा जाए तो आपको लगभग 175 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिला है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में 29,385 का लो है और 29,997 यानी हाई बनाया कितना, लगभग 30,000 का। सो अगर इसके बारे में बात करें तो हमें कुछ 600 पॉइंट्स का यहां पे आपको मूवमेंट देखने को मिला है, 600 प्लस पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला है दिन भर में। बट बैंक निफ्टी सिर्फ 356 पॉइंट अप होके बंद हुआ है। निफ्टी 50 के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ी चाल कमजोर थी, इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दिखा, लेकिन हाँ मूवमेंट दिखा है इसके अंदर में। सो हम बात कर लेते हैं दिन भर काम कैसे हुआ है। FII का अगर डेटा हम देखेंगे तो FII ने 876 करोड़ की बाई की हुई है और DII ने 144 करोड़ रुपीज की बाई की हुई है। अगर आप लास्ट डेटा देखेंगे, लास्ट डेट का डेटा देखेंगे, सो FII और DII दोनों निगेटिव होकर चल रहे थे, बट आज 876 करोड़ का और 144 करोड़ रुपए का दोनों ने बाई किया हुआ है। निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज के दिन में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 11,700 का एक रेजिस्टेंस, जो बहुत ही भारी भरकम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए वो 11,800 के पास में क्लोजिंग दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो रेजिस्टेंस इन्होंने तोड़ा है ये कंफर्टेबली तोड़ा हुआ है। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने मैसेज डाला था ये कि अगर 11,700 तोड़ता है तो 11,750 और उसके ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। और साथ में मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी डाला था जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि वहां पे दिखाया गया था 11,650 11,700 के ऊपर में काफी ज्यादा पुट राइटिंग की जा रही थी, यानी ये क्लियर था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट ऊपर वहां से जाएगा। सो मैं क्या किया, मैं खोज रहा था कि कहां पे मैं शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन मार्केट का मूवमेंट इतना अच्छा था कि शॉर्ट करने का कोई भी पोजीशन नहीं बना, तो डेफिनेटली बाय करके वहां पे चला और 11,800 के आसपास में मैंने मेरा टारगेट बुक किया हुआ है। अब क्या हो सकता है मार्केट में कल के दिन के हिसाब से देखें। पहले देख लेते हैं आज के दिन मूवमेंट। तो जैसा आप सब लोग ने पहले देखा रहेगा, आज के दिन का मूवमेंट काफी स्ट्रांग था और मार्केट शुरू होने के बाद में सिर्फ अप मूवमेंट ही दिखाया है। एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी इसको सेल करने और बाय करने की, लेकिन उसके बाद में मार्केट ने अप मूवमेंट ही दिखाया हुआ है आज के दिन में। अब देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। दोस्तों, आज का जो बुल कैंडल था इसने 11,700 तोड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम 11,700 जितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस था उतना ही स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। यानी 11,700 तो टूटने से थोड़ा अब टाइम लगेगा। हाँ, कोई वीक न्यूज आ गया, बैड न्यूज आ गया तो डेफिनेटली वो टूटेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूज के चलते आज मार्केट ऊपर गया है तो डेफिनेटली एक 11,700 आपके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 11,700। उसके बाद में आपके पास में 11,749 भी एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 11,750 के आसपास में आता है। सो अगर कल के दिन में मार्केट किसी भी तरह से आपको 11,700 के आसपास में मिलता है, जिसके चांसेस रेयर है, अगर मिला तो आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट ऑफ 11,800 11,800 प्लस इसके हम इसका टारगेट लग के हम बाय कर सकते हैं। उसके आगे का हमारे लिए लेवल क्या होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये देखिए, ये जो लेवल्स हमने आज के दिन में निकाले हुए हैं कल के लिए, अगर आपको नीचे, अगर मार्केट नीचे जाते हुए दिख रहा है तो 11,700 पे सपोर्ट होगा, देन 11,683 11,662 11,628 पे आपको सपोर्ट मिलेगा, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो 11,800 पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद में सीधा रेजिस्टेंस आपको 11,873 के आसपास में दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस 11,832 के आसपास में भी था थोड़ा बहुत, पर इतना स्ट्रांग नहीं है। तो 11,872, देन 11,935, 11,981 और इस तरह से आपको रेजिस्टेंस उसके अंदर में नजर आएगा। सो ऊपर के लेवल्स क्लियर रखते हैं, 11,800 क्रॉस किया तो 11,873,
11,873 क्रॉस किया तो 11,900 क्रॉस होगा एंड देन 935 आएगा और 981 यहां पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। आपको सपोर्ट कहां मिलेगा? 11,749, 11,699, 11,683 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं फिलहाल के टाइम पे। सो ये हो गया हमारा निफ्टी के बारे में बात। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर में कैसा काम हुआ है। सो जैसा मैंने पहले बताया ऑप्शन चेन के अंदर में आज के दिन में पुट राइटिंग बहुत ही जबरदस्त हुई है। मैं क्यों बोल रहा हूँ जबरदस्त? अभी फिलहाल के टाइम में ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ये कम होके दिखाई दे रहा है, ये एडिशन जो दिखाई दे रहा है मॉर्निंग में 11 ट्रेडिंग के टाइम पे 11,700 के पास में 30 लाख का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था। यहाँ पे भी आपको 10 लाख प्लस था, यहाँ पे 15 लाख प्लस था। मैंने जो स्क्रीनशॉट अपने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे उस पर आप देख सकते हो उस चीज को। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि ये बुलिश हुए, ये बुलिश ट्रेड लिया गया है। सो आप देखिए पुट साइड से हम शुरुआत करेंगे आज के दिन में। आप देखिए आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ मिल रहा है? 11,700। चार्ट पे भी 11,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है एंड ऑप्शन चेन के अंदर में भी 11,700 एक स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। उससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि 11,700 एक दो दिन में टूटने के चांसेस कम है, 90% चांसेस है कि नहीं टूटेंगे। अगर टूटे तो 11,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है, 11,500 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके अलावा 11,750 भी आपको 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, 11,650 भी, यानी अगर टूटा भी तो ज्यादा नीचे नहीं, यानी कल के दिन में 11,750 भी मिलता हो तो एक बार बाय करके चल सकते हैं हम लोग। तो कॉल साइड में क्या हुआ है? कॉल साइड में आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ज्यादा कुछ यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखाई दिया, 2,15,160, 3,43। इनफैक्ट 12,000 जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहां पे 5,80,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, माइनस में गया है। जो 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे था अब वो 30 लाख का ही बचा हुआ है। अब कल के दिन में अगर 11,800 टूटा जहाँ पे 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, अगर टूटा और एक घंटे आधा पौना घंटा भी 11,800 के ऊपर में मार्केट टिका तो आपको 11,900 बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 25 लाख के यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है वो भी इसी तरह से आएंगे, जहाँ पे यहाँ पे वाइंड अप आप देख रहे हैं इसी तरह से वाइंड अप करने वो भी आएंगे, जिसके चलते शॉर्ट कवरिंग होगी और इस शॉर्ट कवरिंग के चलते मार्केट ऊपर पुश होगा। So, कल के लिए क्या हो सकता है? मार्केट देखिए 11,750 के आसपास भी मिलता है तो आप एक बार बाय करके चल सकते हैं। 11,800 के ऊपर में अगर मार्केट टिकता है तो डेफिनेटली 11,900 की तरफ मार्केट जा सकता है। ये कंक्लूजन है, ये चार्ट और ऑप्शन चेन एनालिसिस से ये कंक्लूजन निकल रहा है। ऐसा ही होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कंक्लूजन है जो चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था कि चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों एक ही डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, यानी कल का दिन एक बार फिर से हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आज के दिन में मार्केट इतना ऊंचा गया क्यों? मार्केट ने 11,700 जैसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ा कैसे? सो आप लोग ने न्यूज ऑलरेडी देख लिया होगा, जो डीडीटी की बात हो रही थी, टैक्स की बात हो रही थी, जिसके चलते एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है और उस सेंटीमेंट के चलते आज मार्केट आपको ऊपर नजर आ रहा है। अभी कितना दिन तक चलेगा, कितने दिन तक ये रैली होगी वो देखना है, लेकिन डेफिनेटली अब 11,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सो दोस्तों बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का कैंडल मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ बुलिश कैंडल है वो बोलना पड़ेगा, बुलिश कैंडल है। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट शायद यहाँ पे रुक जाए, लेकिन नहीं, मार्केट 30,000 तक, बैंक निफ्टी 30,000 तक टच किया है, वहां तक गया है। बैंक निफ्टी ने बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दी थी जो कि 29,300 के ऊपर थी थोड़ी सी, और उसके बाद में बैंक निफ्टी वहां से 600-700 पॉइंट का मूव लेके बैंक निफ्टी 30,000 भी टच किया है। मार्केट सेम जैसे बैंक निफ्टी ने काम किया उसी हिसाब से बैंक निफ्टी ने भी काम किया है और अपवर्ड मूवमेंट ही दिखाए हुए हैं, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। अब इसमें करना क्या, बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है? सो बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकाल के रखा हुआ है। अगर 30,000 क्रॉस होता है, यानी 135 पॉइंट्स ऊपर यहाँ से क्रॉस होता है, तो डेफिनेटली आपको 30,234, 30,372, 30,494, 30,608 एंड 30,700 के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे जाता है, 29,600 तोड़ता है, तो फिर नीचे के लेवल्स चालू हो जाएंगे जो कि 29,494, फिर आता है 29,350 एंड 250, उसके नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज समझना है, अगर मार्केट में आप पार्टिसिपेशन देख रहे हैं तो निफ्टी की तरफ से ज्यादा आ रहा है, यानी बैंक निफ्टी ने अपना रोल प्ले अभी तक नहीं किया है। ये बैंक निफ्टी का रोल कैसे हो सकता है, 1000 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में कल या परसों के अंदर में, चांसेस है कि यानी बुधवार गुरुवार 30 या 31 तारीख इन दोनों में एक दिन का चांस बनता है जहां पे बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको हो सकता है दिखा दे एक बार। देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बात कर रहा है। ऑप्शन चेन आप देखिए, ऑप्शन चेन के अंदर में कॉल साइड में कुछ ज्यादा एक्टिविटीज आपको दिखाई नहीं देगी। इनफैक्ट कॉल साइड में 30,500 के ऊपर में आपको 1,23,000 का आपको वाइंड अप दिखाई दे रहा है और ये एडिशन हुआ है 31,000। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 5,28,180, 5,24,000। तो मैं ये दोनों को हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मान के चल रहा हूँ, यानी एक बार ये 30,000 टूटा तो आप 30,500 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है मार्केट उसके ऊपर भी थोड़ा निकलने की कोशिश करे एक बार। जबकि पुट साइड में आप राइटिंग देख सकते हैं, पुट साइड में 2,34,000, 3,64,000, 1,71,000, 1,21,000, 1,32,000, 3,06,000 का भी आपको 30,000 पे आपको राइटिंग नजर आ सकता है। अब इसका मतलब क्या, लोग इतने ज्यादा बुलिश हो गए हैं कि 30,000 पे भी राइटिंग की गई है। हालांकि आज बैंक निफ्टी नीचे जाके क्लोज हुआ है, बट इवन देन लोगों को लगता है कि कल 30,000 के ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने यहाँ पे राइटिंग कर रखी हुई है। सो ये बुलिश साइन है। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी चार्ट में भी बुलिश साइन दिखा रहा है, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में भी बुलिश साइन दिखा रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन और चार्ट दोनों में बुलिश साइन दिखा रहा है। यानी अगर हम बात करें तो फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बुलिश साइन दिखा रहे हैं। कंक्लूजन यही निकल रहा है कि कल के दिन में बाइंग ऑन डिप्स का ही मार्केट होने वाला है, अगर रात भर में कोई बैड न्यूज नहीं आवे तो। सो कल के दिन में चांसेस है कि बाइंग ऑन डिप्स और एक बार फिर से आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये वीडियो हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप मैसेज के अंदर में लिख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ पसंद आया, कुछ समझने को, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। दोस्तों इसी तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेली व्यू जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी तरह का टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड अगर आपको कुछ भी टॉपिक सीखना है तो आप उसे भी कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो लाएंगे, उसके ऊपर भी वीडियो लाके उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो हमारा वीडियो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।